नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे मांग की आय लोच तथा मांग की अड्डी लोच के बारे में। मांग की आय लोच इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कीमत तथा अन्य बातों के यथा स्थिर रहने पर आय में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को मांग की आय लोच कहते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो प्राय सभी वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगती है, जो आय के घटने के साथ घटती भी है। मांग की आय लोच को मापने का सूत्र निम्न प्रकार है। मांग की आय लोच बराबर मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में अनुपातिक परिवर्तन। हम यह मांग की आय लोच को गणितीय भाषा में ई वाई द्वारा व्यक्त करते हैं। मांग की आय लोच बराबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई, अर्थात डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। इस सूत्र द्वारा हम उसे व्यक्त करते हैं, जहां डेल्टा क्यू बराबर मांग में परिवर्तन, डेल्टा वाई बराबर आय में परिवर्तन, क्यू बराबर प्रारंभिक मांग तथा वाई बराबर प्रारंभिक आय है। वस्तुतः आय लोच मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। धनात्मक आय लोच पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, सेकंड शून्य आय लोच जीरो इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड ऋणात्मक आय लोच नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। मांग की आय लोच का विचार अत्यधिक महत्व का होता है। इसके द्वारा व्यावसायिक प्रबंधन का यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनके उद्योग समृद्धिशील उद्योग है अथवा संकुचन होने वाले। जिस उद्योग की वस्तुओं की मांग की आय लोच इकाई या इकाई से अधिक होती है तो उद्योगों का परिवार की आय की वृद्धि के साथ साथ विकास होता है, जबकि वस्तु की आय लोच ऋणात्मक होने पर देश में परिवारों की आय में वृद्धि के साथ उद्योग की वस्तुओं की मांग कम होने के कारण उद्योग का ह्रास अथवा संकुचन होता है। अब हम मांग की आय लोच की श्रेणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। मांग की आय लोच की श्रेणियां, डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। फर्स्ट पॉइंट, इकाई से अधिक आय की लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन। आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोक्ता वस्तु विशेष पर अपनी आय का अधिक भाग व्यय करता है। तो उनकी आय लोच इकाई से अधिक होती है। इस प्रकार की आय लोच विलासिता की वस्तुओं में पाई जाती है। चित्र में ओ एक्स अक्ष पर हम वस्तु की मांग तथा वाई एक्स पर हम उपभोक्ता की आय को लेते हैं। हम देखते हैं कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में भी वृद्धि होती है। यहां मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है, डीडी मांग वक्र रेखा है। सेकंड पॉइंट, इकाई आय लोच अर्थात इकाई के समान आय लोच। जब आय का परिवर्तन और मांग का परिवर्तन अनुपातिक रूप से समान होता है, तब आय की लोच इकाई के समान होती है। इस प्रकार की आय लोच आरामदायक वस्तुओं में पाई जाती है। चित्र में हम देख सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर हम मांगी गई मांग तथा वाई एक्स पर हम उपभोक्ता की आय को लेते हैं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मांगी जाने वाली मात्राओं में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। या इकाई की आय लोच बराबर वाई बराबर वन होती है, डीडी मांग वक्र है, यह भी धनात्मक होती है और अधिक आय की लोच भी हमेशा धनात्मक होती है। थर्ड पॉइंट, इकाई से कम आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन। आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोक्ता वस्तु विशेष पर अपनी आय का व्यय कम अनुपात में व्यय करता है तो आय की मांग की लोच इकाई से कम होती है। इस प्रकार की
मांग की आय लोच मुख्यतः अनिवार्य वस्तुओं में पाई जाती है। चित्र में हम देखते हैं कि ओ एक्स पर मांगी की जाने वाली मांग तथा वाई एक्स पर उपभोक्ता की आय को दिखाया गया है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर हम देखते हैं कि वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में उसी अनुपात पर कम अनुपात में परिवर्तन होता है, अर्थात यहां मांग की आय लोच इकाई से कम होती है। डीडी वक्र यहां पर भी पॉजिटिव होता है। फोर्थ पॉइंट, मांग की शून्य आय लोच, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी आय की लोच शून्य होती है। आय की लोच कैसी होती है? शून्य होती है। आय लोच शून्य आय लोच होने के एक और आय की लोच ऋणात्मक लोच तथा दूसरी ओर धनात्मक लोच होती है। चित्र में हम देख सकते हैं कि ओ वाई अक्ष पर मांग तथा ओ वाई अक्ष पर बस उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित किया गया है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी हम देखते हैं कि वस्तु की मांगी गई मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात यहाँ मांग की आय लोच शून्य होती है। ई डी ई वाई बराबर शून्य। पांचवा पॉइंट, मांग की ऋणात्मक आय लोच, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ उसके द्वारा वस्तु की जाने वाली मात्रा में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग की लोच ऋणात्मक होती है। प्राय ये निम्न प्रकार के कोटि अथवा गिफिन वस्तुओं में पाई जाती है। हम चित्र में देखते हैं कि ओ अक्ष पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा या मांग तथा ओ वाई अक्ष पर उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित किया गया है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर हम देखते हैं कि मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है, अर्थात माइनस डेल्टा क्यू। यहां मांग की लोच शून्य से कम होती है। ई वाई इज लेस देन जीरो, अर्थात यहां मांग की आय ऋणात्मक प्रकार की होती है। डी टी मांग वक्र रेखा है। अब हम बात करते हैं मांग की अडी लोच के बारे में, अडी या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की अडी लोच या तिरछी लोच के विचार का प्रतिपादन नियमित रूप से मूर मूर ने अपनी पुस्तक सिंथेटिक इकोनॉमिक्स में किया था, किंतु इस विचार की विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या रॉबर्ट टिफिन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ वैल्यू में की गई। कुछ वस्तुएं इस प्रकृति की होती है कि एक वस्तु का कीमत परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग को भी परिवर्तित कर देता है, जबकि दूसरी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात मांग की अडी लोच बराबर ए वस्तु की मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटे बी वस्तु की कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। यह हम मांग की अडी लोच को ई सी द्वारा व्यक्त करते हैं। मांग की अडी लोच के प्रकार, फर्स्ट धनात्मक अडी लोच, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। एक वस्तु ए की मांग दूसरी वस्तु बी के प्रत्यक्ष रूप से उसी दिशा में परिवर्तित होती है तो ए तथा बी दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है। ऐसी स्थिति में ए वस्तु की मांग बी वस्तु की कीमत में कमी होने पर घटेगी तथा बी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर बढ़ेगी। हम यहाँ चित्र से समझते हैं,
ए वस्तु की मात्रा को एक्स एक्स पर, ए वस्तु की मात्रा को एक्स एक्स पर दिखाया गया है, जबकि बी वस्तु की कीमत को वाई एक्स पर दिखाया गया है। हम देखते हैं कि जब ओ पी कीमत थी तब वस्तु ए वस्तु की मात्रा, जब बी वस्तु की कीमत ओ पी थी तब ए वस्तु की मांगी गई जाने वाली मात्रा ओ एम थी। कीमत में बी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर ए वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि होती है, ए वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि होती है। यहाँ डी डी मांग वक्र रेखा है, यहाँ धनात्मक आरडी लोच होने के कारण ई सी इज ग्रेटर देन जीरो है। ये प्राय स्थानापन्न वस्तुओं में पाया जाता है जिसका सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती है। सेकंड पॉइंट, ऋणात्मक आरडी लोच, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। एक वस्तु ए की मांग दूसरी वस्तु बी के कीमत में परिवर्तन के विपरीत दिशा में परिवर्तन होती है तो दोनों वस्तुएं पूरक होगी। दोनों वस्तुएं कैसी होगी? पूरक होगी। पूरक वस्तुओं में मुख्य रूप से मूल्य बढ़ने पर दोनों वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तथा मुख्य वस्तुओं के मूल्य कम होने पर दोनों की मांग बढ़ जाती है। ओ एक्स एक्स पर ए वस्तु की मात्रा तथा वाई एक्स पर बी वस्तु के मूल्य को दिखाया गया चित्र में। हम देखते हैं कि बी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, बी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर ए वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है। यहां हम देखते हैं कि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आरडी लोच पाई जाती है, अर्थात ई सी इज लेस देन जीरो। थर्ड पॉइंट, शून्य आरडी लोच, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। जिन वस्तुओं का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, जिन वस्तुओं का आपस में कोई संबंध नहीं होता है वे वस्तुएं स्वतंत्र वस्तुएं कहलाती है। ऐसी वस्तुओं में मांग की आरडी लोच शून्य होती है, मांग की आरडी लोच शून्य होती है। एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का दूसरी वस्तु के मूल्य में की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः हम देखते हैं चित्र में कि ओ एक्स एक्स पर ए वस्तु की मात्रा तथा वाई एक्स एक्स पर बी वस्तु के मूल्य को दिखाया गया है। बी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर, बी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर कमी या वृद्धि होने पर, कमी या वृद्धि होने पर हम देखते हैं कि ए वस्तु के मूल्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्राय स्वतंत्र वस्तुओं में पाया जाता है जहां शून्य आरडी लोच होती है, अर्थात इसे गणितीय भाषा में ई सी इज इक्वल टू जीरो द्वारा व्यक्त किया जाता है। धन्यवाद।